चुनाव से पहले केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार मार्च के पहले हफ्ते में सीएए कानून लागू कर सकती है। मतलब चुनाव तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले पूरे देश में सीएए का कानून लागू किया जा सकता है। बीजेपी अपने इस दाव से चुनाव में 400 पार सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है। देखिए रिपोर्ट। सीएए दाव से 400 पार। चुनावी ऐलान से पहले सीएए आएगा। 4.5 साल से अटका नागरिकता संशोधन कानून बहुत जल्द अमल में आ सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कभी भी देश भर में सीएए लागू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियम मार्च के पहले हफ्ते में ही लागू किए जा सकते हैं। 2019 में ही संसद के दोनों सदनों में सीएए कानून पास हो चुका है, लेकिन उस वक्त देश के कुछ हिस्सों में सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली में तो प्रदर्शनकारियों ने शाहीन बाग पर ही कब्जा कर लिया था। प्रदर्शनकारियों ने करीब 110 दिनों तक शाहीन बाग की सड़कों पर कब्जा जमाए रखा था, जिसके बाद सरकार को सीएए कानून लागू करने के फैसले को टालना पड़ा था। अब करीब 4.5 साल बाद सरकार सीएए कानून के नियम लागू करने की तैयारी में है। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है। और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। नागरिकता संशोधन कानून आखिर है क्या और इससे क्या होगा, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सीएए कानून 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता के रास्ते खोलेगा जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। इस कानून के जरिए 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत सरकार नागरिकता देगी। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता सरकार देना चाहती है। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रवासियों के लिए ये कानून होगा। सबसे बड़ी बात, सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। सरकार ने मार्च के पहले हफ्ते में सीएए के नियम लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। नागरिकता के लिए आवेदन करने और नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन करने वालों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। सूत्रों के अनुसार आवेदन करने वालों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय आवेदन की जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। चुनाव से पहले सीएए लागू करने का संकेत गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके हैं। विपक्षी दल सीएए के खिलाफ पहले से ही माहौल बना रहे हैं, खासकर मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी तो खुलकर सीएए की मुखालफत कर रहे हैं। ये गलत कानून है, भारत के आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज़ कभी खिलाफ नहीं थे कि चाहे हिंदू सिख हो, जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत और लॉन्ग टर्म वीज़ा देकर, एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत भी देते हैं। मगर ये जो कानून बनाया गया, सिर्फ CAA को आप अकेले नहीं देख सकते, CAA को आपको NPR NRC से देखने की ज़रूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अकलियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मज़हब के हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के खिलाफ थी, हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। सीएए बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के बड़े वादे, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को पूरा किया है, अब उसी तरह चुनाव से पहले सीएए के वादे को पूरा करना चाहती है।
और उसे पूरा करने के लिए अब बस गिनती के ही दिन बचे हैं, क्योंकि अगले 15 दिनों के अंदर कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।